सलमान खान के घर पर हमले का केस अब क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। सूत्रों का कहना है कि वही दो लोग हैं जिन्होंने लोकल लेवल पर शूटर्स की मदद की थी। घटना के बाद सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई गोलीबारी के मामले की जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच करेगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। रविवार की शाम मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने दो लोगों को सांताक्रूज के वकोला इलाके से हिरासत में लिया। इन दोनों संदिग्धों से क्राइम ब्रांच गहनता से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि ये दोनों लोकल सपोर्टर थे, इन्होंने शूटर्स की मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर की रेकी शूटर्स के अन्य साथियों ने की थी, जिसकी जानकारी शूटर्स को दी गई ताकि रेकी के दौरान शूटर्स पकड़े न जाएं। उसके बाद प्लानिंग के तहत शूटर्स ने सुबह के करीब 5 बजे फायरिंग की। हमलावरों ने सलमान खान के घर के बाहर बाइक से 5 गोलियां चलाई, जिनमें से 2 गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवार पर लगी और बाकी 3 रोड पर ही फायर हुई। गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने बांद्रा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह 5:08 की बोरीवली जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी। 5:13 पर वह सांताक्रूज स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उतरे। सांताक्रूज स्टेशन से वह पूर्व में वकोला की तरफ बाहर निकले और वहां से ऑटो पकड़ी। सांताक्रूज स्टेशन और फिर वहां से बाहर आकर ऑटो पकड़ने की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है और आगे की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। सलमान खान लंबे वक्त से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर बताए जाते रहे। उन्हें कई बार धमकी भी मिली। रविवार को सलमान के घर पर हुए हमले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इसके अलावा सीएम शिंदे ने सलमान की सुरक्षा कड़ी करने की भी बात कही। इस मामले में पुलिस भी एक्टिव नजर आई और एक्टर के घर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तेजी से जांच करते हुए क्राइम ब्रांच ने दोनों संदिग्धों की तस्वीर जारी की और एक संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है। सलमान खान के घर गोलीबारी की घटना को 2 हमलावरों ने अंजाम दिया। इसमें से एक हमलावर की पहचान कर ली गई है। उसका नाम विशाल उर्फ कालू बताया जा रहा है। विशाल उर्फ कालू हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। कुछ महीने पहले विशाल ने ही रोहतक में गुरुग्राम के रहने वाले एक स्क्रैप डीलर सचिन की एक ढाबे पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि विशाल विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। सचिन की हत्या उसने रोहित के कहने पर ही